पहले बड़ी गाड़ियाँ आती फार्म से, ये लेकर आती हैं बलैलर और ये गांव वगैरह में लेकर जाते हैं जो इस तरह। तो ये सुबह सुबह का टाइम है जी, और ये सर्दी की वजह से कपड़ा वगैरह भी लगाया हुआ कि इनको सर्दी ना लगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह के करम से हम भी बिल्कुल ठीक है। तो आज के लोग शुरू करते हैं आप। तो गाइस आज हम जा रहे हैं जी बाहर, सुबह का टाइम हो चुका है और आपको दिखाते हैं आज सुबह कैसी हुई है, क्योंकि सूरज निकल चुका है जी। ये देखें जी, सूरज अपनी आबोताब से निकल चुका है और लोग भी आ जा रहे हैं। गाइस अभी धुंध भी है और लोग लाइटें वगैरह चला के आ रहे हैं। और ये सामने जी मुर्गियां तोली जा रही हैं, ब्रॉयलर मुर्गियां, उनके पास चलते हैं वो देखें। इधर बड़ी गाड़ी से छोटी गाड़ी में शिफ्ट की जा रही हैं जी चिकन ब्रॉयलर। ये मिनी रक्षा में लोड हो रही हैं जी, वो बाइक पर रक्षा लगा हुआ है और ये इधर से वैगन से निकाल के उधर मिनी रक्षा में डाली जा रही हैं। पहले बड़ी गाड़ियाँ आती फार्म से, ये लेकर आती हैं ब्लैलर और ये गांव वगैरह में लेकर जाते हैं जी इस तरह। तो ये सुबह सुबह का टाइम है जी, और ये सर्दी की वजह से कपड़ा वगैरह भी लगाया हुआ कि इनको सर्दी ना लगे। चिकन की चीखो बुखार सुन लें जी, बस ये इतने से चीखती बुखार थी और ये आसानी से पकड़ी जाती हैं, लेकिन दूसरी मुर्गियां जो देसी होती हैं वो पकड़ने के लिए बड़ी महारत चाहिए। ये बेचारी तो 30-35 दिन की उम्र होती है और ये चिकन बन जाता है जी, और ये खुराक पूरी होती है जी। लेकिन गाइस सुबह सुबह लोग अपना चारा वगैरह लेने के लिए गधा रेडी लेके जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया अभी लाइटें जा रही हैं, सूरज भी निकला हुआ है, परिंदे भी निकले हुए हैं जी अपने काम पे। हम चले जी अपने चौक की तरफ, वहाँ से चने वगैरह लेने। तो ये वाला तो आया नहीं, अब वो आगे वाले रोड पर जाते हैं जिससे चने लेकर आते हैं, क्योंकि बच्चे चने के बगैर नाश्ता नहीं करते और वो सुबह और शाम चने के साथ खाते हैं, उनके ही लेके चलते हैं चने और हम खा लेंगे कुछ और भी, क्योंकि दूसरी रेडी वाले चने उनको पसंद नहीं है। तो चलो वो आ गई है सामने, चल के चने लाते हैं। तो हम बस पहुँचने वाले ही हैं, चने वाले के पास हम पहुँच चुके हैं जी, और चने हमारे डाल रहे हैं फिलहाल और इधर से चने लेकर चलते हैं जी। तो चने जी हमने अपने उठा लिए हैं और अब हमने अपना रुख कर लिया अपने घर को, और चलते हैं अब घर और बच्चे को चला चल के करवाते हैं नाश्ता, और उसके बाद उनको छोड़ेंगे स्कूल, स्कूल छोड़ने के बाद जाएंगे अपने काम पे। ये देखें परिंदों की आवाज़ें आप सुन रहे होंगे, परिंदों की आवाज़ें बहुत अच्छी लगती है सुबह सुबह खासकर, और ये बताते हैं भी सुबह हो गई है उठ जाएं। और एक ये रेडी बंद पड़ी है जी फ्रूट वाली, इस तरह बंद की जाती है। और ये सामने ये गन्ने वाला बंद पड़ा है जी। तो अभी फ़िलहाल टाइम हुआ है 7:00 मेरा ख्याल है, 20-25 मिनट हुए हैं और अभी तक शॉपिंग वगैरह भी नहीं खुली, बंद है। आस्ते आस्ते लोग अपने अपने काम पे आ रहे हैं और फिर आके अपने अपने काम में लग जाएंगे, शॉपिंग वगैरह खुल जाएगी और हम भी अपने
घर में एंटर हो रहे हैं जी। तो ये आ गया हमारा नाश्ता, परोठे और चने, और अब हम बच्चों के साथ मिलके नाश्ता करते हैं। नुमान देख लो जी, आप गंदे बच्चे स्कूल के लिए हो चुके हैं रेडी। क्यों भाई, चले आप तो पेपर हो रहे हैं है? और आदि भी हमारे साथ आ गया जी, और आदि को हमने साथ लेके जाना, लेके जाना है कि नहीं? आदि को लेके जाना बेबी, चल ले जाते हैं। ना। आ चुका जी, ये देखें जी मोटा हाथी। आज साल चलता है नहीं। उम्मीद करते हैं गाइस आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसके साथ आज के ब्लॉग खत्म करते हैं और आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।